इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेक्चर नंबर 7। हाउ कुड यू से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यू कैन से टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड्स जो राइट एंगल पर ऑसिलेट कर रहे होते हैं एक वेव को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम कैन बी गिवन इन दिस वे, सी इक्वल्स 1/√μ0ε0 एंड दैट कम्स इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है, स्पीड है, वो 1/√μ0ε0 के बराबर में आती है। इट इज द हाइएस्ट स्पीड अटेनेबल इन आवर नेचर। हाउ कैन यू से, यू नो द ग्रेट मैक्सवेल्स वेव इक्वेशन, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर दिया था अपने 4 इक्वेशंस के फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए इक्वल्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, इक्वेशन नंबर 2, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी ए इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर 3, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 3, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल इक्वल्स नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी डी टी ऑफ 5e। इक्वेशन नंबर 4, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई ओवर डी टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 4 इक्वेशंस, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वन इक्वेशन ई डॉट डी इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स देयर इज समथिंग विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू एरिया दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाई एनी क्लोज सर्फेस इक्वल्स नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड वन, द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी इक्वल्स 0 मीन्स द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सर्फेस इज 0 मीन्स देर इज नो मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाई द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए कंडक्शन करंट। नंबर 3, ई डॉट डी एल इक्वल्स नेगेटिव ऑफ डी फाइव बी ओवर डी टी मीन्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ओवर डी टी मीन्स ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इन एडिशन ए कंडक्शन करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस। सो दीज वन आर द मीनिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट इन वैक्यूम देर इज नो मैग्नेटिक चार्ज एंड देर इज नो करंट। सो Forget this one, and also this one. So in vacuum, the E dot dA equals 0, B dot dA equals 0, and E dot dL equals negative of the derivative of the second one, and B dot dL equals derivative of the first one, electric field. So now in vacuum, the Maxwell's electromagnetic wave equations becomes more symmetrical. Electric field ka line integral, magnetic flux ke rate of change ke barabar mein hoga. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर में होगा, ऐसा कुछ मिलता है।